करिए भाई स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी एग्ज़ाम के लिए। कोई ऐसा नहीं है जो आज जाके किताब खोलेगा कि भाई 100 दिन के अंदर मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये 100 डेज जो है ना, ये एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए नहीं है प्रिपरेशन, ये रिविज़न के लिए है आपकी, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का फॉर्म आप फिल करेंगे, नोटिफिकेशन आ गई है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज हैं कि बताएगा। 23 कौन सा ईयर? 2018 में कितनी वैकेंसीज थी? 400+ थी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 2017 में कितनी वैकेंसीज? 170+ अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ट्रेंड देख रहे हो, ये बता रहा है कि हमारी फोर्सेज अब क्या है, एक्सपेंड हो रही हैं। इसका मतलब एक ब्राइट स्कोप है CAPF के अंदर, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। मोस्टली सबकी प्रेफरेंस क्या रहती है? सेकंड प्रेफरेंस SSB रहती है, कईयों की ITB भी रहती है, फिर CRPF एंड BSF। उसका मेन रीज़न क्या होता है? CISF आपको बहुत ही ज्यादा बाकी फोर्स के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है इन टर्म ऑफ अकोमोडेशन। यानी आप मोस्टली मेट्रोपोलिटन एरियाज में रहोगे, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, उसके अलावा आपको टाइम मिलेगा और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। किस लिए पढ़ रहे हो आप सब लोग? अपनी पसंद का डिपार्टमेंट, CISF नहीं, अपनी पसंद के डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि अभी तक मैंने 15-16 लोगों का मॉक इंटरव्यू लिया है, तो 15-16 में से 10+ बंदे थे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CRPF या BSF थी, ठीक है। मतलब लोग हैं जो अभी इस कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग वही हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी भर सकते हैं, आप CISF भरे, SSB भरे। एंड ऑफ द डे आप किस में सेलेक्ट होंगे? CAPF में MHA के अंडर रहेंगे, नेशन को सर्व करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप, IPS ऑफिसर एक आता है इनिशियल स्टेज में, एक असिस्टेंट कमांडेंट में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस होता है? IPS अधिकारी बनेगा, ठीक है, ठीक है। देखो आपको एक कैडर मिल गया, कैडर का मतलब आपको एक डिपार्टमेंट मिल गया, कोई भी इन पांचों में से कोई भी एक डिपार्टमेंट मिल गया। थ्रू आउट लाइफ आप इस डिपार्टमेंट को सर्व करोगे, असिस्टेंट कमांडेंट से DG तक अगर आप जाते हैं तो किसी डिपार्टमेंट को सर्व करोगे। इन बिटवीन आप इस डिपार्टमेंट से किसी और में 2-3 साल रेपुटेशन पर मूव हो सकते हो। हमारी CAPF से सबसे ज़्यादा रेपुटेशन जाती है, आपको पता हो तो, CBI में, IB में, रॉ में, स्टेट पुलिस में जाती है रेपुटेशन। उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री अपना सेक्रेटरी सर्विसेज में जाती हैं, ठीक है। तो एक ही बहुत वाइड गैमेट प्रोवाइड करता है आपको। अगर किसी को एडवेंचरस लाइफ जीनी है ना, तो CAPF बहुत अच्छा है उसके लिए। आपको इतना वाइड रेंज मिलेगा, आप इतनी मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि एक जॉब में आपको इतनी सभी जॉब में सर्व करने का मौका मिलता है। SPG, NSG, पता किसी को SPG NSG क्या है? SPG कौन क्या है? NSG की आपको इतनी अलाइड फोर्सेज में सर्व करने का मौका मिलता है, किसके थ्रू मिलता है वो? आपकी स्टार्टिंग डेडिकेशन क्या रहती है जिसके अंदर जब आप ज्वाइन करोगे, कौन सी रैंक पे ज्वाइन करोगे? असिस्टेंट कमांडेंट प्रोबेशनर, ठीक है। पे स्केल रहता है आपका 5400 ग्रेड पे रहता है। आप ग्रेड पे सिस्टम तो खत्म हो चुका है, अब आपका बेसिक रहता है 66100। पता है इंडिया उन एक कंट्रीज में से है जो इतने हायर ग्रेड पर डायरेक्ट रिक्रूट करती है। काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी इतने हायर ग्रेड पर डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती है। ग्रेड ए है, एक ग्रेड ए जॉब है, इतनी हाई पोस्ट पर जा रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 130 पर्सनल्स को आप लीड करते हैं, 130 सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करके आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, अपनी सोसाइटी की लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब CAPF AC में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आधे बंदे इसमें से वो होंगे जो सिविल्स का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। कौन कौन है सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं? कईयों ने हाथ खड़े नहीं करे, करेंगे, कुछ सोच रहे हैं।
देखो ये भी एक तरह की सिविल जॉब ही है, ठीक है, ये भी सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के अंडर आती है रिक्रूटमेंट वॉलेंटियर की, और कुछ टाइम पहले तक इसका रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी के थ्रू ही हुआ करता था सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू काफ़ी टाइम पहले। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, फिर बताएगा क्या सिमिलैरिटीज है दोनों में, सिविल सर्विस में और असिस्टेंट कमांडेंट में? ग्रेड पे सेम है आपका, फैसिलिटीज़ मोस्टली सेम रहेंगी आपकी, ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर आपका इक्विवेलेंट रहता है, प्रमोशन भी लगभग सेम ही रहेंगी। ये होता है कि आईपीएस आईएएस ऑर्गेनाइज कैडर है, बहुत जल्दी प्रमोशन होता है उनके अंदर, ठीक है। डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें टिंट ऑफ पुलिस प्लस आर्मी मिलेगा, दोनों के मिक्सचर में आप काम करेंगे, आप आर्मी का भी काम करेंगे, आप पुलिस का भी काम करेंगे, ठीक है, आप एक्टिवली ऑपरेट भी करेंगे सीआरपीएफ में नक्सल ऑपरेशंस के अंदर, और सीआईएसएफ में रह के आप गार्ड भी करेंगे इंडस्ट्रीज़ को, एयरपोर्ट्स को, इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस को, ठीक है। तो आप हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले छः महीने पहले मुंबई या मद्रास हाईकोर्ट ने सीएपीएफ को भी ऑर्गेनाइज किया। हाँ, ऑर्गेनाइज कैडर का मतलब बताता हूँ आपको क्या होता है। ऑर्गेनाइज कैडर का मतलब होता है कि एक बंदा जो एक कैडर को ज्वाइन कर रहा है उसको उसी कैडर में हायर पोजीशन तक जाने का चांस मिलता है। इसमें होता है नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेड, पता है किसी ने क्या होता है? जैसे आपके बैच में 30 बंदे एसी लेफ्ट हुए, अब इसमें से कोई भी एक बंदा प्रमोट हो जाएगा डिप्टी कमांडेंट, तो बाकी सबको उस डे से डिप्टी कमांडेंट की सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका करने का रीज़न क्या है, मेन क्यों करा ऐसा? आपने सुना है पॉलिसी ऑफ स्टिक एंड कैरेट, किसी ने पढ़ा है? पढ़ा ही होगा सबने मोस्टली। तो ये पॉलिसी ऑफ कैरेट है, हम कैसे, जैसे आप लोग कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हो वहाँ पे इंसेंटिव मिलता है काम करने का, तो यहाँ पे सैलरी मिलती है, ये सैलरी इनडायरेक्टली इनको मोटिवेट करती है काम करने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल काम कर रहा है, किसलिए करता है वो? महीने के एंड में सैलरी मिले, टाइमली सैलरी मिले, तो ये चीज़ वही काम करती है, ठीक है भाई, प्रमोशन नहीं मिला टाइम से, पर हाँ फैसिलिटी और सैलरी तो मिल रही है हमें उस रैंक की कम से कम, ठीक है। तो ये तो बेसिक होगी बात। अब आप में से कोई एक बंदा बताओ कुछ मोटिवेशन फैक्टर कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी बताओ यार, ज्वाइन करना सारे यहाँ बैठे हो एग्जाम देने के लिए, कोई तो बताओ। पोस्ट एंड पावर, पोस्ट एंड पावर, सब द नेशन, ठीक है, लिख लेते हैं इनको, चलो सब द नेशन। सेकंड क्या बोला? पोस्ट एंड पावर, पोस्ट एंड पावर, अरे जोर से बोलो, कौन है? पोस्ट एंड पावर शर्मा मत यार, पोस्ट एंड पावर, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सही सही, ठीक है। कईयों के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट है, ये बात ध्यान रखना, कई लोगों के लिए सी एस पी भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है। आगे ओके, और सेटिस्फेक्शन, और बताओ लिख दिया, ठीक है, पैरेलल लाइफ टू आर्म फोर्सेस, और कुछ? ठीक है, हो गया एडवेंचरस लाइफ आपका, सैलरी भूल गया, सैलरी एंड पर्क्स, ये पोस्ट एंड पावर अलग होता है, सैलरी एंड पर्क अलग होता है, ठीक है। आपको अभी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, आप किसी यूनिट में 2IC हैं, सेकंड इन कमांड, आपको कमांडेंट का चार्ज दे देंगे ना अगर वो, तो आपको पोस्ट एंड पावर तो मिल जाएगी कमांडेंट की, बट सैलरी एंड पर्क्स किसके मिलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, चलो अनएम्प्लॉयमेंट सैलरी ऐड कर देते हैं,
और बताओ, दो और बताओ कम से कम। सर्व द नेशन की बात करेंगे हम लोग, कैसे कैसे आप नेशन को सर्व कर सकते हो इसमें जाने के बाद, CAPF में जाने के बाद कैसे करेंगे सर आप? फील्ड में तो आपको करना पड़ेगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में बात हैंडल करने के लिए, ठीक है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी का आप टेकन केयर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। पोस्ट एंड पावर, कौन बोलता पोस्ट एंड पावर, कौन था हाँ बताओ, वो पोस्ट एंड पावर का क्या यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स को अटैच करोगे? हाँ ठीक है, लीडरशिप, अच्छा बिना पोस्ट एंड पावर के आप लीड कर सकते हो क्या? कर सकते हो, महात्मा गांधी ने किया था, कुछ पोस्ट पावर तो नहीं थी। पोस्ट एंड पावर क्या होता है ना, आपकी अथॉरिटी बताता है, ठीक है। आप एक असिस्टेंट कमांडेंट हैं तो आपके जूनियर ऑफिसर को आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वो रैंक है, आपकी वो लेवल है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट सैलरी वाला कौन था भाई, हैं तो वो मिलता नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट वेजर, कुछ मिलता है बेरोजगारी भत्ता, तो उससे को जाएगी दूर तो अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ठीक है, ये रियलिटी है, ये हमारे इंडिया की रियलिटी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करते हैं लोग, सिक्योरिटी के लिए, CA आराम के लिए, इसमें आराम नहीं है भाई, ये और ये वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। CAPF provides you one of the most dignified way of earning bread and butter, where you get an opportunity to serve the nation as well. ठीक है, एडवेंचर कौन है, एडवेंचर वाला कौन था, कैसे एडवेंचर? सर जो प्राइवेट जॉब्स होती है, मतलब वहाँ पे पूरी जिंदगी वहाँ पे चली जाती है ऑफिस में, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फील्ड, यानी स्टैटिक रहता है वो, ये डायनामिक लाइफ, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग राजस्थान के डेजर्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक सर्व करेंगे, भूटान बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक सर्व करेंगे, नक्सलिया से लेकर जम्मू कश्मीर जहाँ पे सेपरेटिस्ट है वहाँ तक सर्व करेंगे। सेटिस्फेक्शन किस तरह से भाई, कैसे मिलेगी सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्विंग द नेशन, ठीक है, सर्विंग द सोसाइटी, क्या आपकी, देखो कहते हैं जब आप CAPF ज्वाइन कर लेते हो तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे अपनी तो वहाँ पे एक शपथ लेते हैं, ठीक है। वो शपथ इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने नेशन को, अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर सकें। तो एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, कोई बंदा CRPF में है कहीं पे, आप पोस्टेड हो मान लो किसी नक्सल एरिया में, तो आप सेटिस्फाई रहोगे एंड ऑफ द डे कि मेरे यूनिट के सभी बंदे ठीक हैं, आज किसी को कुछ नहीं हुआ, सब बंदे सही हैं, आराम कर रहे हैं, हमने आज अच्छा काम किया, सेटिस्फेक्शन देगी। आप BSF में हो, बांग्लादेश बॉर्डर पे हो, आपको सेटिस्फेक्शन देगी कि आज कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, कोई स्मगलिंग नहीं हुई, हमने जो स्मगलिंग थी उसको रोक दिया जो हो रहा था वहाँ पे। CRPF में रहोगे, SSB में रहोगे, CISF में रहोगे कि आज मेरी इंडस्ट्री सिक्योर है, आज हम पे कोई अटैक नहीं हुआ, आज हमने इतने बंदे पकड़े, ये तो फील्ड फ्रेश पकड़ा, ठीक है। मेडल में स्टार्स आपने बोला था, क्या मेडल में स्टार्स, कैसे स्टार्स, कौन से स्टार्स की बात कर रहे हो, शोल्डर स्टार्स, खाली स्टार्स उन रहते हैं, स्टार तो फिर चेंज हो जाते हैं ना, तो ये प्राइड होता है जो शोल्डर पे हम लोग बियर करते हैं, ये हमारा प्राइड होता है, ये सिर्फ रैंक नहीं होती है, आपकी अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये बताता है कि आप एक असिस्टेंट कमांडेंट हो, जो शोल्डर ही देखेंगे आपका वो, कि तीन स्टार लगे हैं तो मतलब कौन है ये बंदा, एक अशोक लगा हुआ है मतलब कौन है ये बंदा, ठीक है। मेडल्स, आप लोग कुछ अच्छा अचीवमेंट करते हो, आपको शौर्य चक्र जो भी इसमें मेडल्स प्रोवाइड करते हैं MHA CAPF के लिए, तो वो सब आपको मिलेंगे। पैरेलल लाइफ को क्या कुछ क्वेश्चन था आर्मी के मेडल अलग हैं और CAPF के अलग हैं। CAPF को जो मेडल मिलते हैं वो सिविलियंस को भी मिल सकते हैं, वो सिविलियन मेडल्स होते हैं। पैरेलल लाइफ टू आर्म फोर्सेस, सर
महावीर चक्र मिला वीर चक्र मोस्टली आर्म फोर्सेज के बंदे के लिए रहते हैं। हाँ वो मिलते होंगे, ठीक है ठीक, उसका मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं है। पैरेलल लाइफ टू आर्म फोर्सेज कौन आप बोला था, आपने कहा था कैसे? सर जो जिस तरह से एक आर्मी ऑफिसर भी एक लाइफ लीड करता है, टीम को फ्रंट में लीड करना है, किसी भी जगह पोस्टिंग आ सकती है, वो सेम चीज सर आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है सीएपीएफ। इफ यू आर इन सीआरपीएफ आर्मी में और सीएपीएफ में कोई डिफरेंस बताओ। एक तो बेसिक बता दोगे कि एक सर मिनिस्ट्री डिफेंस के अंडर आती है, एक एमएचए के अंडर आती है, उसके अलावा हाँ ये भी कह सकते हो, ठीक है डिपेंड है, डिपेंड करता है बॉर्डर कितना एक्टिव है आपका डिपेंड करता है। बीएसएफ इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। देखो आर्मी एक चीज माइंड में रखना, मैं आपको बताता हूँ, आर्मी इज फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी एक्सटर्नल पावर से हमारी सिक्योरिटी के लिए, एंड सीएपीएफ इज फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी। यही एक रीजन है कि हम नक्सल के अगेंस्ट आर्मी को नहीं यूज़ कर रहे, सीएपीएफ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नक्सल एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, वो हम में से ही लोग हैं, ठीक है, जिनको मिसगाइड किया गया है। यूनिफॉर्म जॉब तो ठीक है, यूनिफॉर्म जॉब तो बताइए आपको, कॉन्स्टेबल से लेकर डीजी तक सभी यूनिफॉर्म जॉब में आते हैं इसमें, ठीक है। यूनिफॉर्म जॉब का इसकी रिक्वायरमेंट क्या है यार, अगर यूनिफॉर्म ना हो सीएपीएफ में तो काम नहीं हो पाएगा क्या? आप अच्छा पॉइंट बोलते, क्या कह रहे थे, ठीक है, ये यूनिफॉर्म आपको अर्न करनी पड़ती है, यू हैव टू अर्न इट। कैसे अर्न करते हैं आप? एक साल की ट्रेनिंग के बाद आप अर्न करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन कैसे मोटिवेशन कुछ करो मत करो 30 तारीख को अकाउंट में सैलरी आई जाएगी, ठीक है, ये सिक्योर लाइफ है। आप लोगों को चीज बताता हूँ मैं, बहुत बड़ा हम लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन है पैरामिलिट्री को लेकर, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। पैरामिलिट्री मतलब अर्धसैनिक बल, आर्म फोर्सेस एंड योर सीएपीएफ। पैरामिलिट्री में कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं? असम राइफल, सेकंड इंडियन कोस्ट गार्ड, थर्ड सर कोस्ट गार्ड, तो उसमें आर्मी फोर्सेस में आती है इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री में आती है। नहीं सर पहले हुआ कर दी थी, पैरामिलिट्री एक्चुअली क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इट प्रोवाइड सेकेंडरी सपोर्ट टू योर नेवी, एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल, जैसे असम राइफल जो ऑपरेटिव कंट्रोल होती है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, बट वैसे असम राइफल एमएचए के अंडर आती है। प्रपोजल चल रहा है इसका, पर अभी असम राइफल इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आपका पैरामिलिट्री में, एनएसजी सेक्रेटरीट के अंडर आती है, उसका मोटिव होता है कवर्ट ऑपरेशन करना, या कहीं पे ऐसा अटैक होता है डायरेक्ट अटैक, उसको न्यूट्रलाइज करने का। इसका तो पता ही आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स, और इसका तो आपको पता ही होगा, बताया अभी सीआईएसएफ बीएसएफ आईटीबीपी ऑल दैट। अब इनमें फर्क क्या है, पैरामिलिट्री और सैनिक बल दे प्रोवाइड सपोर्ट टू आर्मी आर्म फोर्सेस, ठीक है, और ये डील करते हैं मेनली आपका अपने एक्सटर्नल सिक्योरिटी से, ये डील करते हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी से, ये काम परफॉर्म करते हैं आर्मी का भी और पुलिस का भी, ठीक है। बट एक डिफरेंस रहता है कि सी ए पी एफ के पास मोस्टली हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, लॉ एंड ऑर्डर क्या है स्टेट सब्जेक्ट है, किसके पास रहता है वो स्टेट पुलिस के पास। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप आर्मी ज्वाइन करते हैं एट द रैंक ऑफ अभी लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है, अब तक यहीं तक बात करते हैं। सीएपीएफ में आप जाते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन इक्विवेलेंट रैंक मानते हैं असिस्टेंट कमांडेंट को, ठीक है, क्योंकि कैप्टन का ग्रेड पर डिफरेंट होता है, उससे ज़्यादा ही कहते हैं। डिप्टी कमांडेंट ओआईसी कमांडेंट एंड डीआईजी आर्मी में क्या सेकंड इन कमांड। देखो आर्मी में क्या होता है आज के टाइम पे
70% ऑफिसर्स जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे रिटायर हो रहे हैं, 70% प्लस 30% ये होते हैं जो अपर रैंक कर्नल ब्रिगेडियर तक जा पाते हैं, मोस्टली एनडीए या सीडीएस जो अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं। बट इसमें सीए पे प्रमोशन का थोड़ा अच्छा हो रहा है। अभी ऑर्गेनाइज कैडर की बात चल रही है, डिपार्टमेंट को लेटर इशू हुए हैं, असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट टू आईसी कमांडेंट डीआईजी तक यू कैन इजीली रीच, डीआईजी इज इक्विवेलेंट टू योर ब्रिगेडियर, ठीक है। आईजी भी जा रहे हैं, बीएसएफ में एडीजी भी जा रहे हैं, एसडीजी भी जा रहे हैं, डीजी अभी तक कोई नहीं गया, ठीक है। सेम कैडर का डीजी अभी तक कोई नहीं गया, डीजी मोस्टली आईपीएस आ रहे हैं। आपके आईपीएस की जो एंट्रेंस रहती है मोस्टली आपका डीआईजी लेवल से स्टार्ट हो जाती है, डीआईजी लेवल से आपके आईपीएस ऑफिसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक तरह का डिफरेंस है, सीएपीएफ में प्रमोशन थोड़ा बेटर है, फैसिलिटीज आर्मी बेटर है, सीएपीएफ कंपैरिजन में आपको मिल जाती है कैंटीन फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ये सब कुछ। और कोई डाउट किसी के मन में, कोई कुछ थोड़ा नॉलेज बांटना चाहता हूँ यहाँ पे है कोई? एक दूसरे को पॉइंट आउट मत करो, एक खुद बताओ, डिस्कस करें फिर 100 डेज प्लान। 100 दिन है आपके पास, अपने सब्जेक्ट बताइए मुझे फटाफट, कौन कौन सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। स्टार्ट हमेशा क्वालिटी से करो भाई, ठीक है, ये नाराज होगी ना अगर तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा अगर। सेकंड चलो ज्योग्राफी। थर्ड हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफरेंट थिंग है दोनों। साइंस में आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, BCM चला गया 11th 12th में, ठीक है। और बताओ इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, मेंटल एबिलिटी बोलेंगे उसको एक तरह से, एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी। करंट अफेयर्स मिसलेनियस, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं आपके, और ग्रामर क्वेश्चन। ग्रामर जो पढ़ते हो ना, इंग्लिश लिखवाया किसी ने यहाँ पे? नहीं लिखवाया अभी तक। कितने मार्क्स ही आते हैं ग्रामर? उसके अलावा इसी में आप ऐसे वगैरह भी अगर जोड़ते हो तो अराउंड कितना बनता है? 50-60 मार्क्स बन जाता होगा, ठीक है। ग्रामर में आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली, कहीं आप 25 नहीं तो 23 मार्क्स तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो 25 में, अगर आपकी अच्छी थोड़ी प्रिपरेशन है, थोड़ा ग्रिप है। और ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, ध्यान रखना हमेशा, ग्रामर का क्वेश्चन सही है या गलत है। वहाँ पे सही है तो पूरे मार्क्स ही मिलेंगे आपको, वहाँ पे ऐसे की तरह नहीं है कि मार्क्स आप कट कर लेंगे कि चलो इसने यही लिखा है इसको 12 दे दिए इसको 5 दे दिए, वहाँ एक नंबर तो एक पूरा मिलेगा आपको। मेरे पेपर 2 में 90 ग्रामर का, मेरे को पता नहीं सेपरेटली, बट 95-96 थे मेरे पेपर 2 में, और मैंने 180 का अटैम्प्ट किया था, 20 मार्क्स में रिपोर्ट छूट गई थी। तो अब हम तैयारी कैसे करेंगे 100 डेज के हिसाब से? मैं आपको डेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा, डेज आप अपने हिसाब से बांटना, पता है आप सब लोगों का, आपने सब कुछ पढ़ा है। कोई बंदा 10 दिन में क्वालिटी कम्प्लीट करेगा, कोई 5 में करेगा। अब मैं 10 लिखवा दूंगा तो भाई साहब वो 5 वाला जो होगा वो आलसी हो जाएगा, और जो 15 वाला होगा वो टेंशन में आ जाएगा 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो डेज अपने हिसाब से बांटना। पेपर 2 में पेनल्टी होती है? पेनल्टी कौन सी पेनल्टी है? पेनल्टी कॉर्नर नहीं, ये सब सीएससी मेंस में हो गया। पेपर पेनल्टी कैसी? नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में डिपेंड करता है आप क्या क्या लिख रहे हो। अगर आप बिल्कुल ही अंडरस्टैंड लिख के आ रहे हो पेपर 2 के अंदर, ठीक है, जिसमें कोई बेसिस नहीं है, नेगेटिव तो खैर नहीं देगा वो, पर हाँ मार्क्स काट लेगा। वो तो काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग से है। एक्चुअली रीजन क्या रहता है ना, पेपर 2 मैनुअल चेक करना पड़ता है, पेपर 1 तो हमारी शीट चेक कर ली। आप पेपर 1 देते हैं अगर 3 लाख बंदे, अब उनका सबका पेपर 2 चेक करेंगे तो 6 महीने में जाकर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पेपर 1 से पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर जो 5-6-10 हज़ार बंदे बचते हैं पेपर 2 चेक कर देते हैं, तो बहुत ईजी रहता है। ये इसलिए होता है ताकि आप लोगों का ही रहे कन्वीनियंस, आप लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट ले सकें। और वैसे भी CAPF को अब इन्होंने सेकेंडरी उसमें डाल दिया है सिविल की वजह से, इसका रिजल्ट वैसे ही लेट आता है 1-2 महीने। अब मैं आपको अपना पैटर्न बता रहा हूँ मैंने कैसे तैयारी शुरू करी थी। एक अपना लो प्राइमरी सब्जेक्ट,
कोई भी एक ले लो आप जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ते हो नींद नहीं आती, मैं इसको लगातार 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को आप 2 से 2.5 घंटे या 2 घंटे दो पर डे। एक रखो सेकेंडरी सब्जेक्ट, प्राइमरी पढ़ते हो नींद आ रही है ना, तो मूव टू सेकेंडरी सब्जेक्ट, इसको आप दिन में 2 बना रहे। मेन मोटो रहेगा आपका जब प्राइमरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगा और एक और सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी बन जाएगा। इससे क्या होगा, आप 2 सब्जेक्ट चलोगे पैरेलली लेके, एक आप कंप्लीट करोगे और एक आप रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टाइम देते हैं अपना द हिंदू को, कोशिश करो 1 आवर से द हिंदू को 1 आवर में से कंप्लीट कर सको तो कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। कर सकते हो आप यार, आप जब प्रैक्टिस में आओगे ना तो आप न्यूज़ देखते बता दोगे कि न्यूज़ ज़रूरत है इसकी पढ़ने की या नहीं है। पॉलिटी और पॉलिटिकल को अलग करो, ठीक है, काम की न्यूज़ को अलग करो, फटाफट इसको पढ़ो, 1 घंटे में इसको ख़त्म कर दो, ज़्यादा टाइम लगाओगे इसके ऊपर ना। अभी पेपर में क्या होता है, सब कुछ रिपीट होता है, आज जो खबर आई है 3 दिन बाद दोबारा वो खबर आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खबर ऑलरेडी आ चुकी है, मेरे पास सफिशिएंट डाटा है इस चीज़ को लेकर, उसको स्किप करो आप, देख लो कुछ में नया इवेंट हुआ है तो उसको ऐड करो। प्राइमरी आपका हो गया, सेकेंडरी द हिंदू, करंट अफेयर की रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कोई भी मैगजीन आप प्रेफर करते हो करंट अफेयर्स के लिए, विजन IAS कर रहे हो और कौन सी क्रॉनिकल्स वगैरह कुछ भी कर रहे हो उसको, हाँ तो भी दर्पण मेरे ख्याल से इसके स्टैंडर्ड ही नहीं है, GK Today भी नहीं। स्टोरी टाइप का रहता है उसके अंदर ना, ठीक है, तो बहुत वास्ट रहती है, पर विजन की जो मैंने अभी पढ़ी है करंट अफेयर्स की, उसमें क्या है ना टू द पॉइंट रहेगा, आपके बेसिक क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि ये सब कुछ बेसिक है तो आप फटाफट उसमें पॉइंट कवर कर लोगे। मैं अभी देखता हूँ इसके बाद चेक करता हूँ, इसको आप दो डेली हाफ एन आवर दो, डेली आप 5 से 10 पेज रिवाइज करो, इसे करोगे ना तो आप महीने के अंदर, आप अप्रैल के अंदर, आप मई के अंदर, जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो, अगर डेली हाफ एन आवर ही पढ़ोगे आप इसको तो, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, आप मेंटल एबिलिटी को डेली दो 1 आवर, डेली 1 घंटा मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन करो, क्यों, कितने क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के, 25 × 2 कितना होता है, 100, ये 50 जो है आप इसमें से आराम से 46 स्कोर कर सकते हो इजीली। कितना स्कोर हो गया 46, मतलब आपको सिर्फ GS के अंदर अराउंड 100 मार्क्स या 80-90 मार्क्स लेके आने, बाकी आपका सारा मेंटल एबिलिटी ने कर दिया। पास हो गया यार, मैं थोड़ा कुछ टाइम पढ़ के गया था, अभी पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस डेली 30 मिनट्स दो राइटिंग प्रैक्टिस हुआ, कोई भी टॉपिक लो, एक टॉपिक उस पर लिखो, उसको लिखो, उसको पढ़ो, फिर उसको दोबारा 1 हफ्ते बाद पढ़ के देखो कि आपका लेवल क्या है। आप कुछ लिखते हो और उसको आप 10 दिन बाद पढ़ोगे ना तो आप हंसोगे ये मैंने लिखा है, क्योंकि आपका लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो आपको अपनी कमियां खुद पता चलती हैं कि मैंने ये चीज़ लिखी थी और अब इसमें ये चेंजेस आने चाहिए। टोटल कितना हो गया ये, 2 और 1 3 4 5 6 घंटे, 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं अभी से, बहुत होगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आप संडे को एक ऐसे सॉल्व करें, 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम के, संडे टू संडे आप टेस्ट सीरीज करें सॉल्व। आप संडे को जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज दे दी और रिजल्ट आ गया तो ठीक है नंबर देख लिया, ऐसा नहीं, उसको रिवाइज भी करना है। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करे उनको रिवाइज करो कि ये क्वेश्चन मेरी यहाँ गलती थी, या आपको पता चलेगा कि मेरी हिस्ट्री वीक है या मेरी पॉलिटी वीक है तो मुझे किस फील्ड में थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी की राइटिंग प्रैक्टिस, अगर राइटिंग वीक है, स्किल्स वीक हैं, तो वो उस फील्ड में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ रह गया आपको लगता हो जैसे छूट गया मुझसे? देखो मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि इसका किसी और की तैयारी करूँ। अभी 100 डेज हैं तो भाई इसी में फोकस रखो, 100 डेज तो मिनिमम, ठीक है। ठीक है, आप सोचते हो कि बैंक का एग्ज़ाम साथ में प्रिपेयर कर लेंगे तो बेवकूफ़ी है आपकी। पैटर्न हल्का सा भी अगर डिफरेंस हुआ तो वहाँ पे सब कुछ आपका फेल हो जाएगा, सारी तैयारी फेल हो जाएगी आपकी।
यार सेम तो रहता है, बट देखो एक अभी बात कर रहे थे ना मोटिवेशन फैक्टर की, अगर आप अभी 100 डेज दे रहे हो तो कम से कम 100 डेज डायरेक्टली डिवोट करो अनएम्प्लॉयमेंट का, कोई नहीं करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रेट सीओडी में बहुत वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए रेलवे में बहुत निकलती हैं आजकल, ठीक है तो वो भी कर सकते हो, बाकी नहीं तो फिर एमएसएमई से लोन लेके अपना काम भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, कोई और भी है अनएम्प्लॉयमेंट वाला उसको बिल्कुल चाहिए नौकरी अभी, देखो इसको एज एम्प्लॉयमेंट मत देखो, इसको एज ए सर्विस देखो, इनको सेंट्रल एम पुलिस फोर्स ये सर्विस है एक तरह की, सर्विस किसके लिए, नेशन के लिए, ठीक है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मत देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आप यार सीजीएल की तैयारी करो, एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको इनकम टैक्स वगैरह में जाओ किसी डिपार्टमेंट में जाओ, पर ये सर्विस है सबको नहीं मिलती है, आप जाओगे जब देखोगे कितने असिस्टेंट कमांडेंट होंगे आपके साथ, मुश्किल से एक या दो पूरी आपकी यूनिट में मिलेंगे जो आपको, इसलिए रीज़न रहता है टॉप लेवल पे बंदे कम क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है आपकी कंपनी में 60-70-80 कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल रहेंगे पर असिस्टेंट कमांडेंट एक ही रहेगा, फिर रहेगा क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है और ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आए। और कोई डाउट किसी को, बता देंगे आपको अभी इससे रिलेटेड पूछो कुछ क्लासेस के बारे में, किसके लिए कौन सी बुक, कौन सी ऐसी बुक चाहिए आपको, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जो मैंने रिकमेंड करी थी मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री के लाता हूँ आपको लिख लो जिसको लिखना है, एंशियंट मेडिवल एंड योर मॉडर्न के लिए, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी थी एंशियंट इंडिया और शायद क्लास 11th की ही है मेडिवल इंडिया, ठीक है आर एस शर्मा और दूसरी सतीश चंद्र जी, सतीश चंद्र, ठीक है मेडिवल के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफर की थी, ठीक है स्पेक्ट्रम का एक ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम आप सही पढ़ सकते हो आपका बेसिक क्लियर हो, आपको पता हो कि ये इवेंट हुए थे, क्योंकि इसमें ना आपको स्टोरी फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा, स्पेक्ट्रम आपका टू द पॉइंट रहेगी, फैक्चुअल थोड़ी रहेगी, पेटेड रहेगी फैक्ट्स की तरफ, ठीक है इंटरेस्ट नहीं बनता इसको पढ़ते हुए बिल्कुल, स्पेक्ट्रम को पढ़ते हुए। और आपका क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आप 6-12 की एनसीईआरटी किसी ने कंप्लीट कर लिया हो इसको तो कोचिंग लोन पढ़ सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हो आप, इसके अलावा आप मैप प्रेफर करो, ज्योग्राफी जब भी पढ़ो आप मैप से पढ़ो हमेशा, मैप को साथ में लेके ऑक्सफोर्ड का मैप ले लो, ऑक्सफोर्ड या ऑरियंट सॉन वर्ल्ड का मैप ले लो, इंडियन का वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे आप क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है तो क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हुए आप उस जगह का पहले देखो उसका ज्योग्राफिकल वेदर क्या है उस एरिया का, वेदर को क्रॉप से रिलेट करो कि भाई गर्म इलाके में ये क्रॉप्स होती है, ठंडे में ये होती है, सीजन में ये होती है, फिर उस जगह का पैटर्न देखो कि किस किस टाइम में जोन में कितने टाइम लगता है, कैसे पैटर्न चेंज होता है और चेंज हो रहा है, तो उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी उन चीज़ों को, ठीक है क्योंकि सब कुछ तो आप याद कर नहीं सकते, क्योंकि अभी मैंने ट्रेंड देखा है कि नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक से क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कई बार, ग्रेट लेक से यूएस कनाडा बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी सारे, पॉलिटी के लिए तो पता ही होगा सबको एम लक्ष्मीकांत, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के देखो लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, यूपीएससी को पता है कि सारे बंदे क्या पढ़े लक्ष्मीकांत, वो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगी लक्ष्मीकांत से, इसलिए साथ में सैम्पल पेपर करना बहुत जरूरी है, लक्ष्मीकांत के साथ सैंपल पेपर सॉल्व करो 110%, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पढ़ते रहोगे पर आपको पता चला क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप सोचोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए उठ के नहीं आता। और साइंस, साइंस के लिए जो मैंने पढ़ा था बताता हूँ आपको, लूसेंट या फिर अरिहंत जीके का आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि साइंस के मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे फैक्चुअल, बायो में रहेंगे विटामिन्स के नाम पूछ लेंगे, कंपाउंड्स के नाम पूछ लेते हैं, और किस मेटल का क्या सिंबल है वो पूछ लेते हैं, पीरियडिक टेबल में क्या सिंबल है, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है,
एनसीईआरटी बहुत पुराना ट्रेंड हो गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में अब काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में, इसमें आराम मुश्किल से यानी इसमें 20 या 30 पेजेज होंगे तीनों को मिला के। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन पढ़नी है बस, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन ही पढ़ना है अरियंट में, पर वो तो कमी होगा उसमें, तो सब कुछ है ना अरियंट में, क्वालिटी वगैरह नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ ये तीन पढ़ना है। और क्या था सर इकोनॉमिक्स? देखो इकोनॉमिक्स के लिए मोस्टली करंट रहता है, करंट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ मैं बोलूँ आपको कि रमेश सिंह पढ़ लो तो बेवकूफ़ी होगी, जब पढ़ने की जरूरत नहीं रमेश। एनसीईआरटी से अपना बेसिक कंप्लीट कर लो, 11 12 तो 10th के एनसीईआरटी से बेसिक कंप्लीट करने के बाद आप लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, और साथ में इकोनॉमिक इक्विटी करके मैगजीन आती है, ठीक है? इसमें आपका बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे रहेगा। यार ये मैंने पढ़ी है, मुझे ठीक लगा, क्योंकि इसमें जो है ना बिल्कुल क्रक्स दे रखा है, और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन इसी में चाहेंगे आपके। और कुछ कोई सब्जेक्ट जिसको डाउट हो? नहीं नहीं ये एक ही आएगी, ये पूरे साल के लिए एक ही आती है बस, इसी में से क्वेश्चन मैंने देखा आते हैं। देखिए हटा दो उसको। मैं बताता हूँ तुमको, मैं पेपर में दोनों नहीं पढ़ के गया था, मैं ऐसे बॉर्डर पढ़ के गया था, ठीक है? क्वेश्चन आए थे मैंने छोड़ दिए थे ऐसे, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे ना, तो तुम ऐसी गलती मत करना, ठीक है? देखो क्या होता है ना, जो यूपीएससी पेपर सेट करते हैं वो लोग ना सर्वे करते हैं, मार्केट को देखते रहते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड को फेल करने के लिए पेपर सेट करते हैं वो। ये रीज़न रहा है कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, फिर भी लोग क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ो। अमेंडमेंट तो आप किसी बुक में मिल जाएगा, आप 10 रुपये की 15 रुपये की अलग से बुक आती है अमेंडमेंट की, उसमें भी मिल जाएंगे आपको। हाँ वो सब बुक में मिलेगा आपको पॉलिसी की। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना चाहता हो तो, अगर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ऐसे कम ही आते हैं, अगर किसी को टाइम हो कोई लगता है कि भाई कर सकता है, नितिन सिंघानिया, ठीक है? मैंने खरीदी थी, मैंने पढ़ी नहीं आज तक कभी, क्योंकि मैं ये भी छोड़ के आया था पेपर के अंदर, आप पता नहीं चलिएगा। और क्या पूछा है किसी ने? इन्वायरमेंट के लिए शंकर आगे नोट कर लो आप, बहुत है। हाँ हैंड रिटन कर लो, आपकी बुक भी आ गई है, सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। शंकर आगे इसके नोट्स फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमेशा ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ना, ठीक है? ज्योग्राफिकल चेंजेस और इन्वायरमेंट ये साथ लिंक रहता है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। और कुछ कोई यहाँ पे PIB पढ़ने वाला होगा या इनसाइट ऑफ इंडिया वाला होगा? देखो इसके अलावा आप कुछ भी करते हो आपके अपने पर्सनल इनिशिएटिव है, किसी को लगता है कि वो PIB पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता है, या किसी को लगता है इनसाइट ऑफ इंडिया से अच्छे टॉपिक मिलते हैं तो आप कर सकते हो, बट अपना बेसिक कभी मत छोड़ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ना हो कि ये छोड़ के आप फिर सीधा दूसरी चीज़ के पीछे लग जाओ। और सैम्पल पेपर तो मस्ट है, सैम्पल पेपर क्या बताता है, आपका लेवल बताता है कि आपकी लेवल क्या है। सैम्पल पेपर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा सैम्पल पेपर, अभी क्या है इस फील्ड में ज़्यादा आ नहीं रहे पर अवेलेबल है, कुछ पब्लिशर जो है सैम्पल पेपर दे रहे हैं शायद। टेस्ट सीरीज जो बंदे नहीं कर रहे उनके लिए है, जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज के साथ में प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना, कम से कम भी लास्ट 5 ईयर जरूर सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि UPSC में रिपीटेशन रहता है क्वेश्चंस का, सेम नहीं आएगा उसी टाइप में आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ दिन पहले 1993 इवेंट के बारे में, क्या था वो, जलियांवाला बाग, ये इवेंट कब हुआ था? अप्रैल 13। इसके बाद क्या हुआ था? हंटर कमीशन आया था, और 1920 में नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल वापस किया था, और
ये किसके लिए हुआ था? सैफुद्दीन के चलो सत्यपाल और अटैक के अगेंस्ट था मेनली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके अगेंस्ट। तो देखो ये इवेंट 1990 में हुआ था, 2019 चल रहा है, 100 ईयर हो गए हैं। चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा इसमें से, पेपर हमने पूछे पेपर टू में पूछे, पेपर टू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 ईयर जलियांवाला बाग में सके, हाउ आवर कंट्री इज डूइंग नाउ डेज, ठीक है। तो इसको आप ऐसे क्वेश्चन आप डेवलप करो, और इवेंट देखो, कोई और इवेंट हो जिसको 100 साल हुए हैं या 50 साल, जैसे सी आई एस एफ को 2019 50 ईयर्स हो गए कम्प्लीट। सी आई एस एफ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2019 है, 50 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, तो इन चीज़ों को आप लोग तैयार करें, क्वेश्चन खुद तैयार करें अपनी तरफ से। नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नोबल प्राइजेस, बुकर प्राइजेस, पुलित्जर प्राइज और स्पोर्ट्स अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया आपका, या किस फील्ड में, हॉकी की फील्ड में कौन सा अवार्ड मिलता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न पता होना चाहिए आप लोगों को, क्रॉपिंग पैटर्न का पढ़ना जरूर, कौन सी क्रॉप कौन सा स्टेट हाईली प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा मिनरल कौन सा स्टेट हाईली प्रोड्यूस कर रहा है, किस स्टेट में सक्सेस हो ज़्यादा है, किस में कम है, किस में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस में कम है, लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट, लोएस्ट, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसमें तो मिल जाएंगे आराम से। क्लास के बाद में देखता हूँ, और कोई डाउट किसी को? ख़त्म करें इसको फिर यहाँ पे क्लास को। देखो पेपर टू में सबसे स्कोरिंग क्या है, एसे, ठीक है, 80 मार्क्स कैसे रहता है एसे में, क्या होता है ना जब आप पेपर में बैठते हैं आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होता है उस टाइम पर, तो आप उसको टॉपिक को अटेम्प्ट करो जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप 20 में से इजीली 12 मार्क्स अटेन कर सकते हो, ठीक है। अपने पसंद के टॉपिक को आप अगर करोगे ना, आप एक इंटरेस्ट लेके पेपर टू को अगर टैकल करोगे तो पेपर टू आपके लिए ईजी रहेगा, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा पेपर टू आप लोगों के लिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि भाई वो पैसे पहले अच्छा लिख लेगा, फ्रेश माइंड से पैसे कंप्लीट कर लो, किसी को लगता है कि भाई ऐसे कर लेगा, रिपोर्ट कर लेगा, तो आप उसको वैसे कर सकते हो, कोई पैटर्न नहीं है इसके लिए। देखो लिखने तो पहले भी बाद में भी हैं, पहले लिख लोगे 4 ऐसे, सबसे ज़्यादा टाइम ऐसे में ही लगता है, 80 मार्क्स भी ऐसे में मिलते हैं आपको, तो मैं तो पहले ऐसे ही कंप्लीट किया था मैंने अपने पेपर में। हाँ चालू किए थे तब मैं पढ़ता था ना, अब वो कह रहा है सर आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। क्लास को वाइंड अप करते हैं, मेडिकल के बारे में बताएंगे जब आपका पेपर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा। हाँ उसके लिए आपको नेट से सर्च करना पड़ेगा, नेट से आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कोई डिफेंस एक्सरसाइजेज जो रहती हैं आपकी, सूर्य किरण या खंजर एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री के बीच में है, कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी एक्सरसाइज है, लास्ट कौन से ईयर में हुई थी, आपको बताना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फिर।